इधर घुमा दो। आपका एक बार फिर जनादेश टीवी में आपके साथ इसराइल चौधरी, मैं सुख मौजूद हूँ गंगोन पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद इस वक्त अपने समर्थकों के साथ राय मशवरा करते हुए किस तरह का मतदान आज दिन में हुआ, किस तरह की गतिविधियां हर एक वार्ड पर रही और क्या इनको लग रहा है अब फाइनल हो गया, अब परिणाम आने बाकी है, 13 तारीख को परिणाम आएंगे, गंगो नगर पालिका परिषद का नया बादशाह कौन होगा, एक बार फिर विरासत बचाने में गंगो की पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद कामयाब होंगे या यहाँ पर फिर कोई नया सरताज बनेगा। चलिए बात करते हैं पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद साहब से, पूरी चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर अपनी टीम के साथ जिस तरह से इन्होंने भ्रमण किया और नगर के अंदर डोर टू डोर जाकर अपने चाहने वालों से, अपने मतदाताओं से जिस तरह का इनका एक संपर्क रहा, में वो वोट में तब्दील हो पाया या नहीं, ये हम बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आज मतदान हो गया और अब परिणाम आने बाकी, मतदाताओं ने अपनी जो है अपने मत का प्रयोग करके आपकी किस्मत कैद कर दी, क्या लगता है क्या परिणाम आएंगे? सम्मानित मतदाताओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ, और प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव मेरे यहाँ कराया। और अभी जो आप सवाल कर रहे थे कि विरासत बची या नहीं बची, जीत का झंडा लाठी पे, गंगो चढ़ गई हाथी पे। चेयरमैन साहब, यहाँ पानी को लेकर फिर मैं वो सवाल फिर आपसे करता हूँ, निकासी को लेकर पूरा मुद्दा बनाया गया, उस पर लगता है आपको किससे कुछ वोट में वो तब्दील हुआ है दाएं बाएं? मैंने आपसे कल कहा था कि कल जिस तरह गंगो की जनता झूम के वोट देगी आप खुद देखोगे, ये सब मुद्दे ड्रामेबाजियों के हैं। आज अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम रखा, क्लियर धूप रही, आज तो कहीं पानी की दिक्कत नहीं थी, बारिश होगी तो पानी भी होगा, निकलेगा भी, देसी भाषा आधे में राम आधे में काम। जी, जीत को लेकर कितना शोर? अल्लाह के फजल से 100%। थोड़ा आपको बता दीजिए, उंगलियों पर बता दीजिए कि लगभग इतना रहेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लगभग जहाँ तक मैं मानता हूँ अभी फिगर आ रही है, लेकिन जो अंदाज रुझान मुझे लग रहा है 14,000+ वोट मिलना चाहिए। 14,000+ सेकंड पोजीशन पे किसको मानते हैं? भाजपा रहेगी। भाजपा ने? अच्छा, नलका की तो बेचारे की वाटर बॉडी टूट गई, वो कहा होता, हवा फेंक रहा था, पानी थोड़ी फेंक रहा था दिन में, आप उसकी तो डोल चीज छूट गई नीचे, कुछ भी नहीं। भारी भरकम जानवर को एक्सेप्ट कर लिया गंगोवासियों ने? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर लिया, उसके लिए राशन पानी का भी इंतजाम कर रखा है, सब कर रखा है, हाथी को पालेंगे कोई बात नहीं। क्या कहेंगे पुनः एक बार फिर गंगा की? अपने आवाम को, अपने परिवार को मुबारकबाद देना चाहूंगा, अग्रिम इंशाल्लाह बहुत मजबूत वोट बनने जा रहा है और सभी साथी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से काम किया और पूरे दिन एक पैर पर खड़े होकर के जिस तरीके से मुस्तैदी से मतदान कराया, इसके लिए यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।